Friends Live Update. गुड आफ्टरनून कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम है अनिमेश और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था बिल्कुल लाइव इस वक्त आप सभी के लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ एक्रोपोलिस मॉल के माय नेल स्टोर से। और बता दूं कि आज हमारे साथ कोई है मेरे बहुत ही फेवरेट हैं और इस वक्त कोलकाता शहर में आए हुए, किसी रेडियो चैनल के साथ उनकी बातें हो रही है तो वो हो रही है सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स एफएम पे। जायद खान इस वक्त कोलकाता शहर में, बहुत बहुत आपका स्वागत है एक बार फिर से। जैसे कि मैं ऑफ ईयर आपसे बातें कर रहा था, करीब 5 से 6 साल पहले आपके साथ मेरी बातें हुई थी, एक बार फिर से मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। अरे थैंक यू दोस्त, 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे आते समय मुझे बहुत अच्छा लगा। कोलकाता में ऑफ कोर्स बहुत बार आ चुका हूँ लेकिन ये 4 साल के बाद आ रहा हूँ और इतनी सब तरक्की देखा हूँ यहाँ पे कि मैं काफ़ी खुश हूँ। सब देख के बहुत अच्छा नजराना देखने को मिला है, बहुत सारे इमारतें बने हैं यहाँ पे, रास्ते भी बहुत अच्छे बन गए और कोलकाता के लोग तो प्यारे से प्यारे ही हैं हमेशा, तो मैं क्या कहूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्यार करना भी जानते हैं, डेटिंग करना भी जानते हैं, उनको काफी अच्छा लगता है। वैसे डेटिंग की अगर हम बातें करें, एक समय था जब कबूतरों के थ्रू डेटिंग होती थी और उसके बाद फिर बहुत सारे चलन आए, बहुत सारे चेंजेस आए। अब जो चेंजेस आया है वो आया ऐप के थ्रू। आपके नए ऐप के बारे में हम सब जानना चाहेंगे, इस वक्त धूम मचा रही है ऐप, चारों ओर सिर्फ इस ऐप की बातें हो रही है। आई एम नॉट शाई, टेल अस समथिंग अबाउट इट सर। आई एम नॉट शाई, देखिए आज पूरी जमाना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे निकल चुकी है और आई एम नॉट शाई एक ऐसे ऐप है जिसके हम कहते हैं डेटिंग ऐप या आइस ब्रेकर ऐप, लेकिन इसकी खासियत ये है कि आई एम नॉट शाई, यू नो, अगर आप एक रूम के अंदर हो या आप एक सिनेमा हॉल में हो या कॉफ़ी स्टोर में हो और आपको कोई पसंद आए और शायद आप यू नो हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिजेक्शन बहुत प्यार करते हैं रिजेक्शन के और उसी कारण सामने जाके मिलते नहीं किसी से और क्या पता आपके आने वाला महबूबा या आने वाले महबूबा को ऐसी इस प्लेटफॉर्म पे मिले, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसे प्लेटफॉर्म है जो तुरंत एक आपको आइडेंटिफाई करता है और आप एक रोज़ भेज सकते हो और बोलते हैं आई फाइंड यू वेरी क्यूट, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी ले सकती हो। तो ज़रूर जाइए, आई एम नॉट शाई, यू कैन गेट इट ऑन एप्पल, यू कैन गेट इट ऑन गूगल प्ले, download it and live it up, you know, times of the essence, live it up, go meet new people. वैसे मैं जानना चाहूंगा ये अचानक से ख्याल कैसे आया कि इस तरह का कोई ऐप लॉन्च करना चाहिए। अरे यार ये बहुत ही एक अनोखी सी कहानी है कि मेरा एक दोस्त था, वो ट्रैफिक सिग्नल में खड़ा था और सामने वाले में एक गाड़ी में बैठी थी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की और बस इशारे हो गए, थोड़ी सी कनेक्शन हो गई इन दोनों के बीच में, लेकिन जब वो मतलब फिर से गिर जाने लगा उसके पास, मतलब उसको रिजेक्ट, वो फियर आने लगा कि यार अगर वो ना बोली तो क्या करें, वो अपने फ़ोन पे गया, व्हाट्सएप पे देखने लगा, व्हाट्सएप नहीं चलेगा, उसने फेसबुक में देखने लगा, फेसबुक भी नहीं चल रहा है। तो उसने यार जैसे ही वो सोचते देखते देखते वो ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गई और वो निकल पड़ी और उसे कभी मिलने की मौका नहीं मिला उसको। तो यार ये वापस आके बोला यार हमारे पास हर चीज़ के लिए ऐप है, एक ऐसे ऐप नहीं है जहाँ हम लोगों को पहचानते ही हाय बोल सके या उनको इनके साथ कनेक्ट कर सकते, क्या पता तुम्हारे आने वाला कल वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो तुम्हारी बीवी हो सकती है और ऐसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं जिसके पास हमारे पास सबूत है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ही वो मिले और ऐसे ही शॉपिंग मॉल में गुजरते गुजरते एक दूसरे को यू नो नज़र मिला के और फिर वो लोग ऐप में मिले और वो ऐप से उनको पता लगा कि हाय हेलो कनेक्शन लग गई और बहुत ही अच्छी एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, क्योंकि हम लोग जब कुछ चीज़ बनाते हैं तो एक सोशल फ्लॉ देखते हैं कि हमारे यहाँ पे है क्या, प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को सुलझाने में हम ये ऐप बनाए। इट्स कॉल्ड आई एम नॉट शाई, IMKNOTSHY, लिव इट अप गाइज, डोंट बी शाई, गो एंड फाइंड योर नेक्स्ट न्यू बेस्ट फ्रेंड, योर न्यू गर्लफ्रेंड, योर न्यू बॉयफ्रेंड and make connections happen, that's what we believe in. Zayed, वैसे मैं इस स्टोर के बारे में जानना चाहूंगा, माय नेल स्टोर काफी शानदार है, काफी देर थोड़ी देर से हम यहाँ पे घूम रहे हैं और काफी अच्छा लगा, कुछ कहना चाहेंगे? यू नो मैं ये मॉल में आया हूँ, नो एक्रोपोलिस मॉल में आया हूँ मैं, बहुत ही आई कांट टेल यू आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद दिस, इट्स अ कंप्लीटली इंटरनेशनल लुकिंग मॉल, बहुत सारे यू नो ऐसे स्टोर्स है और ये माय नेल What's that? Pink ink. Sorry. ये पिंक इंक का जो दुकान है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यू नो अभी जैसे आप टैटूज देख रहे हो और नेल पार्लर देख रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत मतलब यू नो जस्ट रिसेंटली आने लगे, रिसेंटली सबको ये सब यू नो फैशन सब दिखाने का फैशन, टैटू लगाने का फैशन, नेल करने का फैशन आए और कितनी खूबसूरत तरह से बनाए, ऐसे लगा कि मैं LA में आ गया हूँ और सचमुच ये पिंकिंग बहुत ही सुपर्ब स्टोर है, लुक्स वेरी इंटरनेशनल और मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ऐसे ही अपनी तरक्की बनाए और अपनी बिजनेस बनाए और
मैं इंशाल्लाह सोचता हूँ कि इनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजेस हो इंडिया में. So go guys, go get Think Inked with all your tattoos anywhere you want, and all you girls, if you want to be funky, you want to be fashionable, it's here and now at Think Ink. आते आते जो लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी से कुछ कहते हैं, ये थोड़ी देर में आपके साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मुलाकात होने वाली है 6 PM onward, फ्रेंड्स एफएम के स्टूडियो में ज़ाहिद खान रहने वाले हैं. जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बहुत जल्द मिलने वाला हूँ लाइव स्टूडियो में 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे. तो वहाँ पे और बातचीत होगी हमारी और थोड़ा बहुत नटखट फिल्म भी हो जाएगा. थैंक यू सो मच हमारे साथ बातें करने के लिए. ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू माय लव फॉर आई एम नॉट शाय ऐप के लिए. थैंक यू. या आई एम नॉट शाय. लिव इट अप. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फ्रॉम मी. बैक टू स्टूडियो. Friends FM 91.